सो हैदर गाइज इट्स स्पार्क्स एंड वेलकम बैक टू द स्पार्क्स गेमिंग। बाकी हम लोग वापस से आ चुके अपने माइनक्राफ्ट वाले वर्ल्ड में। और हाँ, हम लोग मैंने फिर से नई सीरीज स्टार्ट किया, मतलब है मेरा फर्स्ट एपिसोड है माइनक्राफ्ट का। तो फिलहाल मैं तो अभी तो सबसे पहले तो मैं अपना खाना कलेक्ट कर लेता हूँ और कोऑर्डिनेट्स चलो तो रहे किधर गई किधर गई दीदी भागो मत कम कुछ। चलो अपने पास तीन रॉ बीफ कहते इसे मे भी रॉ बीफ तो चलो आ चुके अपने पास, अभी इसे भी खाना लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि वुड हमें सबसे पहले तो वुड कलेक्ट। और ये क्या चीज़ है भाई, ये पहली बार देखा मैंने ऐसा। वीज वुड कलेक्ट कर लेते और वुड से हम लोग बनाएंगे स्टिक्स और फिर स्टिक से बनाएंगे हम लोग स्वॉर्ड वगैरह वगैरह जो भी मिलता हो वो सब। रेड कलर का ट्री मैं पहली बार देख रहा हूँ माइनक्राफ्ट में, बड़ा अजीब सा है यार, समझ रहे हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, समझ रहे हो भाई। ये तो अलग ही भला है। हम लोग जो घर बनाने वाले हैं वो ऐसी वैसी जगह पे नहीं बनाने वाले, मतलब मेरे को ओपन सा एरिया चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब ओपन सा ही चाहिए यार मेन बात तो हमें, समझ रहे हो। हाँ यार मेरे को अब तक शिप नहीं मिली ताकि मैं जल्द से जल्द अपने बेड बना सकूँ। और शिप मिल जाना यार, मिल जा, बाकी फिर रात बहुत मुश्किल से कटती है जरती है हिंदी में कहे तो। वैसे मैं तो हूँ तो मराठी से। ये भायम थोड़ी अलग सी है यार, उस माउंटेन्स के पार चलते और मे भी शायद हमें उधर शिप मिल जाए। एक मिनट एक मिनट, मैं सबसे पहले तो क्राफ्टिंग टेबल्स मेरे को बनाना पड़ेगा। क्राफ्टिंग टेबल few inches later क्राफ्टिंग टेबल भी हो गया मेरे से। और अभी सबसे पहले तो मेरे को ऊपर ही चलते यार, क्योंकि इधर तो मेरे को कुछ जानवर दिख नहीं रहा शिप, ताकि मैं जल्द से जल्द बेड बना सकूं। भाई ओ भाई ये क्या है, ये मे बी कॉपर हो सकता है या फिर आयरन हो सकता है, मेरे को पता नहीं। लेकिन हम लोग क्राफ्टिंग टेबल का यूज़ करके कुछ ना कुछ तो बना लेते हैं। सबसे पहले तो बना लिए अभी अभी अपने वुड की पिकैक्स और इससे देखते हैं कि मैं कुछ कर पाता हूँ, मतलब मिलता है या नहीं। मे बी मेरे ख्याल से आयरन ही है लेट है। अबे यार मिला तो नहीं है, मे बी हमें इसे ओ एक मिनट, चलो चलो अच्छी बात है कि यहाँ पे एक शिप। अबे यार भाग मेरे को फिर बहुत तकलीफ होती है यार लेट है। अब इसके मदद से बना लेता हूँ मैं स्टोन की पिकैक्स। और चलो स्टोन की पिकैक्स भी मिल गई, अभी अभी स्टोन के पिकैक्स का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे इस आयरन को ले लेते। लेकिन आयरन इतनी ऊपर मिलता नहीं है, आयरन नहीं होगा। मैंने स्टोन की पिकैक्स यूज़ क्यों नहीं की, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यार ये तो आयरन इधर several bad puns later और स्टोन्स भी कलेक्ट कर लिए और बाकी अभी वापस से चलते। एक छोटा सा तो घर बनाना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। तो अच्छी बात होगी यार अपने लिए, माउंटेन के ऊपर चलते वहाँ पे कुछ अलग सा है, मतलब हमें ज़्यादा बड़ा व्यू मिल जाएगा। यहाँ से कोल भी मिल गया, मे बी वो शिप है। ये फंस गया, यहाँ का व्यू तो बड़ा तगड़ा आता है। मेरे को सबसे पहले नीचे जाने पड़ेगा इसके लिए और मे बी वहाँ पे शिप हो सकती है। अबे यार बहुत चलो डैमेज हो रहा है तो होने दो, क्योंकि हमें सबसे पहले तो प्लेस ढूंढनी पड़ेगी कोई अच्छी खासी। ये चिकन से यार दूर से देखी तो शिप ही लगती है, भी मिल नहीं रही यार मेरे को। वो है ना भाई रात तो हमें, मतलब आप भूल जाओ रात बड़ी मुश्किल जाने वाली फिर अपनी जाए बस हमें शिप। सो गाइस एक शिप तो हमें चलो अच्छी बात है कि मिल चुकी है, बाकी एक शिप मिल गई तो अपने लिए बहुत 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 हो जाएगा एक शिप। सबसे पहले तो मेरे को यार एक मिनट में अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाल लेता हूँ। यार क्राफ्टिंग टेबल से बना लेते हम लोग बेड, बना पाते या नहीं, एक और चाहिए था यार नहीं, लेकिन चलो स्वॉर्ड तो बना लेते। यहाँ पे तो अलग ही माजरा मिल गया यार हमें, यहाँ पे तो बकेट हम लोग पे बकेट यार मेरे पास था कोल भी। एक मिनट यहाँ पे चेस्ट इसके अंदर क्या है। ओ भाई ये तो बड़ा मस्त वाली चीज़ मिल गई हमें। बाकी कहा अभी रात होने वाले तो सबसे पहले तो मैं यार अब क्या करूँ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। गोल्ड का ब्लॉक भी है, गोल्ड का ब्लॉक पता नहीं हम लोग उसे तोड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपना आर्मर रिव्यू कर लेता हूँ यार। A few moments later पता नहीं कि ये गोल्ड का ब्लॉक, एक मिनट गोल्ड के लिए हो से चाहे अनब्रेकिंग भी लगी यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, हमें स्टोन की से लगाना पड़ेगा शायद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो भाई अच्छा बात है कि यहाँ पे पानी था वरना गया था मैं आज। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, गिर चुका हूँ मैं और मेरे को जाना पड़ेगा अपने फिर से उसी एक्सिस पे 14-13। एक मिनट इस तरफ मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे आर्टिकल्स भाई वो सब तो जा चुके होगी अभी लावा में, हमें जाना पड़ेगा -99 की तरफ। ओ मैं यहाँ पारी हो रही है भाई साहब। ये क्या है भाई, पूरा पूरा गोल्ड का आर्मर इक्विप करके आया बंदा। देखा मैंने इसलिए कहा था कि माइनक्राफ्ट में रात बड़ी खतरनाक होती है और हमें माइनस एक मिनट यही तो आसपास था किधर वो पोर्टल जो भी चीज़ होती वो। यार वो चीज़ पता नहीं अब किधर चली गई, मुश्किल से तो मिली थी, लक चमक गया था मेरा इस बार।
लेकिन इन सब गधों ने आके पूरा बर्बाद कर दिया मेरे को। वो चीज़ सैंड के पास ही थी और इधर किधर मेरे को दिख भी नहीं रही है। स्केलेटल ने हमला करना फिर से शुरू कर दिया है और वो चीज़ तो मेरे को मिलने चाहिए, पता नहीं क्या था वहाँ पे, लेकिन यार किस्मत गई मेरी हाथ से। हाथ से मेरे को किस्मत ने दे दिया था भाई, मिल गया था मेरे को आयरन क्या जो भी थे वो। Few inches later. लेकिन थोड़ी देर के लिए खुशी मिल गई यार मेरे को, अब खुद से बनाना पड़ेगा हमें। लेकिन खैर छोड़ते, मेरे को चाहिए थे एक ओपन सा एरिया जहाँ पे मैं बहुत कुछ चीज़ें बना सकूँ। ये एरिया भी ओपन सा ही है और विलेजर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आसपास में कहीं ना कहीं तो विलेज होना ही चाहिए। अगर विलेज मिल जाता है हमें तो मे भी यहाँ पे पास में होना ही चाहिए यार विलेज, शायद इन ब्लॉक्स के ऊपर से जाके हमें पता चलेगा। आप थोड़ा आर्मर हमको भी दे दे भाई, ये तो मेरे को ऐसे बता दे। चमक रही यहाँ पे, अच्छा लावा है यहाँ पे, वही मैं सोचूँ। विलेज तो नहीं दिख रहा मेरे को, विलेज होना तो चाहिए था यही आसपास। अगर यहाँ पे विलेजर है मतलब जॉम्बी विलेजर, तो यहाँ पे आसपास में ये विलेज तो होना ही चाहिए था, और बायो में होते भी है शायद। बाकी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आसपास में कहीं ना कहीं तो विलेज होना चाहिए था गाइस, एरिया है यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं अपना जो भी फ्यूचर वाला होम हो। फिलहाल तो मैं किसी ना किसी विलेज में जाके ही रहना चाहूँगा जब तक मैं बनाना स्टार्ट ना कर दूँ तब तक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अबे छोड़ देना भाई। अरे रात यार बड़ी धीरे धीरे जाती है, और एक तो पता नहीं वो विलेजर हो ही कम्युनिटी। यहाँ पे एक और लावा का ये यार धक्का दे दिया उसने, लावा के कुछ ज़्यादा ही दिख रहे इस बार मेरे को। ओ जनाब फट गया शायद, वो फटने दो, क्या ही कर लेगा, है ही नहीं कुछ घुमाने के लिए अपने पास तो फिलहाल। फिर से चमक रहा है शायद कुछ, मे भी उधर हो सकता है विलेज, चलो जाके देख आते। ओ एक मिनट, मिल गया। चलो भाई मिल तो गया, मैंने कहा था कि आसपास में कोई ना कोई विलेज होना चाहिए ही चाहिए। अबे जाने दे भाई मेरे को चेस्ट में। चलो भाई खाने के लिए चीज़ें तो मिल गई, इन वुड के ब्लॉक्स को ले लेता हूँ मैं साथ में अपने। अबे यार कौन सा मॉन्स्टर आ गया पास में, ठीक है कौन चमक रहा है यहाँ पे। विलेज तो बड़ा तगड़ा है यार, मतलब है पता नहीं यार कौन सा मॉन्स्टर इधर आसपास में भटक रहा है। मॉन्स्टर को भी अभी मिला था जगह कि यहाँ पे भटकने को, आगे सो भी गया। अरे भाई ये तो बड़ा चालाक से निकला यार, आके सो भी गया है। और यहाँ आसपास में एक शिप है, एक शिप से मेरा काम नहीं बनेगा। इधर ही कौन सा मॉन्स्टर भटका वो देख लो, यही इसके वजह से मैं सो नहीं पा रहा। लेकिन कोई नहीं, जल्दी डे भी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ रही है, तो हमें वेट करना पड़ेगा डे होने तक। और बाहर जाए मैं तो, अगर बाहर में चला गया तो लोग अंदर घुसाएंगे मेरे पीछे पीछे। वो देख लो डे तो हो ही रहा है भाई, डे हो रहा है बॉस में होना। उस बायोम में 100% की यहाँ पे बर्फीला बायोम है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज भी ज़्यादा ऊँचे है, मतलब कॉनिफर्स टाइप। और देख लो विलेजर के क्लॉज भी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे मतलब यार ठंड वाला एरिया है ज़्यादा। तो लेट है जा रहे बाहर, आप जाइए बाहर, हम देखते कि हम यू कैन स्लीप एट नाइट। ठीक है भाई, अच्छी बात है, विलेज बड़ा बड़ा सुंदर सा विलेज है यार ये तो। इसके घर के अंदर में जाके देखाता हूँ, यहाँ पे विलेज के डोर्स भी बड़े अलग अलग से लगाए। खाना एक मिनट, क्या है पम्पकिन सीड्स का मैं क्या करूँगा, फिलहाल तो इसे मैं रहने देते हमें चाहिए खाना। बेड का तो इंतजाम हो गया है अपने, अभी मैं इसे जल्द से जल्दी क्राफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अपने क्राफ्टिंग टेबल रख के। सबसे पहले जाता हूँ, और अभी कॉबलस्टोन हमें ढूंढ के लाना पड़ेगा ताकि, अबे क्या यार अच्छा खासे विलेज को ये लोग बर्बाद कर देते हैं ज़ॉम्बीज। वो क्या था अभी भागा उधर, ऑक्स का बच्चा, वुल्फ का बच्चा। बस ये थोड़ी ना यार मैं किसी को कब बना पाता। और वहाँ पे आयरन का गोलम भी है इस विलेज में, पहले तो शिप्स की तो अभी कमी नहीं है इस विलेज में, तो हमें सबसे पहले तो अभी इसी विलेज के आसपास में कोई ओपन सा एरिया ढूंढना पड़ेगा, या फिर किसी एरिया को ओपन करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। वैसे एरिया तो बड़ा मस्त है, लेकिन थोड़ा आगे इस विलेज के कोऑर्डिनेट्स कितने मेरे को देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स है 430। शेयर भी बना के रखा, बड़ा मॉडर्न सा है यार ये विलेज भाई, बंदे ने डबल सिक्योरिटी लगा के रखी है। अबे यार कोई आना इधर ही ब्लॉक कर देगा ये किसी को। विलेजर भाई साहब, इस घर का विलेजर ये बन चुका है, मतलब क्या जॉम्बी वाला, वो खुद तो रास्ता उगड़ के बाहर जा रहा है, लेकिन ये विलेजर दूसरों को मार सकता है भाई। लेकिन इससे पहले दूसरे को मार दे हमें उस घर के अंदर कभी वक्त अभी मत जाना भाई। लोग देख लेते इस घर के अंदर भी एक चेस्ट, और इस चेस्ट के अंदर ही वुड्स खाना वाना सब कुछ है। या क्राफ्टिंग टेबल ही तो मैं बना लेता हूँ ना भाई, नहीं थी वो चीज़ मैं बना चुका हूँ। अभी हमें सबसे पहले मेरे को जाके कॉबल स्टोन ढूंढना पड़ेगा ताकि हम लोग स्टोन की बना सके। सबसे पहले चलता हूँ मैं ऊपर, कॉबल स्टोन भी मिल गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मेरे को कॉबल स्टोन और इस घर के
ऊपर पे जा सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, इस घर का फिर मैं यही एरिया ले लेता हूँ ना, और इसके चेस्ट के अंदर भी वही है, खाना ही पड़ा यार। पोटैटो ज़्यादा आलू खाना ही नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूँ वरना दिमाग बंद हो जाता है। और मेरे को क्या बनाना था, अंदर तो ज़ॉम्बी है। ओ नहीं, वो इस घर के अंदर है भाई, वो बंदा बाहर अभी आ चुका है। डबल सिक्योरिटी वाला ये फंक्शन बड़ा मस्त है यार इन लोगों का। अभी मेरे पास ये ही, तो मैं सबसे पहले इसे इधर रख देता हूँ। अबे भाई तू है ना, अगर चल चल भाग जा भाग जा, अभी मैं इसको खोलने वाला हूँ। चलो भाई, अच्छी बात है कि विलेजर गया, वरना नहीं तो इसी विलेजर ने बाकी विलेजर्स को भी ख़त्म कर दिया होता। एक मिनट, इस घर का विलेजर जा चुका है, तो ये घर मेरा, ये घर मेरा आपसे। अगर इस घर का विलेजर मैंने मार दिया है, यानी कि ये घर मेरा हो चुका आपसे। और आप क्या करते हैं, 15 कोल्स के बदले एक इमरल्ड लेते हैं, और 12 इमरल्ड्स के बदले, ओ भाई साहब, कोल ढूंढना पड़ेगा और एमरल्ड्स लेने पड़ेंगे, और फिर एमरल्ड्स देने के बाद हमें मिलेगी स्वॉर्ड। चलो चलो चलो, अच्छी बात है ना भाई। मैं भी अभी जाके निकल पड़ता हूँ कोल ढूंढने के लिए। बस अब कोल मिलेगा कहाँ पे, क्यों ना हम लोग माइनिंग करने के लिए चले, और फिर हमें नहीं यार वैसा नहीं जम सकता। ये ओपन सा एरिया है यार, मेरे को ना क्या लग रहा है, अभी मैं अपना जो घर है ना वो पूरा ओशन पे बना दूँ। लेकिन ना, एक मिनट, मस्त वाला आइडिया हो सकता है यार। मेरे को ज़रूर बताना कि मेरे को घर अपना ओशन पे बनाना चाहिए या नहीं। बाकी ओशन पे बनाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, और ओशन पे बना भी सकते हैं हम लोग। बाकी मेरे को कोई ओपन सा एरिया तो फिलहाल तो कोई दिखा भी नहीं है। अगर मेरे को सही है तो हमें फिश के अंदर से भी हमें हड्डियाँ मिल सकती है, और मेरे को कोई डॉग मिल गया तो वो पपी घूम रहा था इधर किधर, तो मैं भी उनके मदद से ले सकता हूँ। फिश तो मिल गई कम से कम मेरे को, और अभी मैं चलता हूँ वापस से घर की तरफ। कितना देख लो, डूब भी गया। हम लोग वापस से आ चुके अपने विलेज में। तो फिलहाल तो मेरे लिए आज के लिए बस इतना ही है, मतलब अभी तो फिलहाल तो मैं सो जाता हूँ। और बाकी वो डबल वाला होम कौन सा है भाई, या यही होम है वो भाई, सब तो लगा ही लग पड़े, यही जो होम था जिसके वजह से, मतलब ओ बे मारना मत। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा अच्छी बात है कि मैंने रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करके रखा था। चलो भाई अच्छी बात है, सामान तो चलो ले लिया मैंने। अभी किधर जा रहा है तो घुचू, अच्छा उसका घर इधर है। तो सबसे पहले तो रात हो चुकी है। अभी इस घर के अंदर फ़ायदा है कि इस घर के अंदर डबल सिक्योरिटी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब के लिए हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना शोल्डर मेक होम ऑन ओशन, तो बता ज़रूर देना यार, कम से एक कमेंट तो ज़रूर कर देना। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय फ्रॉम स्पार्क्स जी।